अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में चला हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिकमेंडेड यूट्यूब चैनल्स फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है, जो कि फर्दर हमें हमारा काम करने पर मजबूर करती है। यार रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप्स अरेंज किए थे। BSN वालों के लिए सेपरेट ग्रुप, DPT वालों के लिए सेपरेट ग्रुप, पैरामेडिक्स वालों के लिए सेपरेट ग्रुप। उसमें जो है वो हम लोग फ्रेश स्लाइड्स जो है वो सेंड करते हैं। तो जब वो हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए तो हर दूसरे बंदे का जो है वो इनबॉक्स में यही क्वेश्चन होता था कि हमें कुछ यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड कर दें, कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दें कि लाइक हम लोग लेक्चर्स कहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि अब मेडिकल एजुकेशन इस तरह से होती है ना कि आपको टीचर सारी चीज़ें क्लास में नहीं बता सकता और ना ही बताते हैं वो लोग। सो लिहाजा उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ स्पेशली मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए यूट्यूब कंसल्ट करना ही पड़ता है। अब यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कंटेंट है तो जाहिर सी बात है वो ढूंढने में लाइक कौन सी चीज़ बेटर हो सकती है आप लोगों के लिए, तो वो काफ़ी जो है वो लाइक एक मुश्किल प्रोसेस होता है। सो हम लोगों ने क्या किया कि कलेक्टिवली जो है वो इसी वीडियो में आप लोगों को तमाम यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर लेंगे, रिकमेंड कर देंगे, जहाँ से आप लोग अपने लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अबाउट द एनाटमी। अब एनाटमी हमारे पास जो है वो हमारे पास DPT स्टूडेंट्स और पैरामेडिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए है। BSN में भी एनाटमी है लेकिन उनकी एनाटमी और फिजियोलॉजी कम्बाइन है, तो हम लोग उस पर आगे जाकर बात करेंगे। अभी ये जो एनाटमी की बात होगी ये DPT स्टूडेंट्स और पैरामेडिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, ठीक है। तो यार आप लोग एनाटमी के लिए द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर इसको जो है वो फॉलो कर सकते हो। मींस ये आपको बिल्कुल एक समराइज्ड फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। जिस तरह ऑस्टियोलॉजी हो गई, आप लोगों को ये एक चार्ट में जो है वो तमाम बोन्स का लाइक टेबल बनाकर या उसमें से एक्सप्लेन करेंगे। या मोस्टली स्टूडेंट्स को मसल्स जो है वो याद नहीं होती, उनकी लाइक नर्व सप्लाई या उनका एक्शन वगैरह, तो मींस ये उन चीज़ों को भी जो है वो समराइज्ड फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन इन्होंने किया। मैंने खुद टू बी वेरी हॉनेस्ट इन्हीं को फॉलो किया था ड्यूरिंग माय टाइम मसल्स के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए। तो आई थिंक ये एक बेस्ट चैनल है। TCML भी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये चैनल आप लोगों को शो हो जाएगा। एनाटमी जोन है, एनाटमी जोन के बाद आप लोगों के पास कीन हब है, उसके बाद आप लोगों के पास है जी वाइडन करिया। बेसिकली ये ऑस्टियोलॉजी के लिए चैनल है, ठीक है। ये जो बेसिकली मैं आप लोगों को चैनल्स बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने इन्हीं को ही फॉलो करना है। आप लोग इन चैनल्स को जस्ट देख सकते हो, ठीक है। अब देखो हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर एक स्टूडेंट को जो है वो डिफरेंट मेथडोलॉजी जो है वो समझ आती है। सो लाजमी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे जिस टीचर से समझ आए आपको भी उसी टीचर से वो अच्छी लगी। मुझे अब TCML अच्छा चैनल लगता है, अब लाजमी नहीं है कि आप लोगों को भी जो है वो TCML की ही समझ आए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है वो एनाटमी जोन को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप लोगों को ये जो चैनल्स हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट जो है वो इनको चेक करना है, इनके एक एक दो दो लेक्चर सुन लेने। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जो है वो मैं इन लोगों को आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, सिंपल इज़ दैट। तो आप लोग जस्ट इनको सुन सकते हो, जो फिर आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रैंडम एनिमेटेड वीडियोस ऑन द यूट्यूब। अब हमारे पास एनाटमी इस तरह की चीज़ है ना, एनाटमी इस तरह का सब्जेक्ट है कि आप लोगों को उसे हर डायमेंशन से देखना होता है, तब जाकर आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर समझ आता है, ठीक है। उसके लिए जो है हम लोगों ने एक बुक भी आप लोगों को सजेस्ट की थी, एटलस, ठीक है। एटलस अच्छी बुक है, उसमें जस्ट फिगर्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप लोग एटलस यूज़ नहीं करते तो प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, उसमें लाइक वो उन्होंने एनाटमी को वो एक उसने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की, मीन्स विजुलाइज करवाया हुआ है स्टूडेंट्स को। 3D स्ट्रक्चर है, आप लोग उसको रोटेट करवा सकते हो, उसकी वो बॉडी होती है इस तरह से एक स्केलेटल सा खड़ा होता है, उसमें मसल्स को आप लोग इलाज देख सकते हो, बोन्स को, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोग उसको वो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। जैसे जैसे आप उसको रोटेट करते हो, मीन जैसे जैसे आप उसको कमांड देते हो। अब वो चैनल का नाम मेरे जहन में नहीं है, अगर मुझे जो है वो याद आया तो मैं जो है वो कमेंट्स में जो है पिन कर दूंगा, अदरवाइज़ फिर कभी आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर लूँगा, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है।
अब नेक्स्ट यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में जो है वो डीपीटी वालों की होती है। तो उसके लिए आप लोग ये देख सकते हो, सेल्फलेस मेडिको अच्छा चैनल है, ठीक है, लाइफ इन द वॉर्म, डॉक्टर रोज एंड जितने भी चला ये चैनल्स यहाँ पर मेंशनड, आप लोग इनको जो है वो देख सकते हो। बाय द वे एम्ब्रियोलॉजी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर पास्ट पेपर्स। सबसे पहले तो यार पास्ट पेपर्स के लिए आप लोग डी ए डॉक्टर को जो है वो सब्सक्राइब करो। अभी तक इसमें लाइक हम लोगों ने जो है वो एज सच कोई कंटेंट शेयर नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो हम लोग इस पर वर्क करेंगे। ये हमारा बेसिकली अपना ही चैनल है, ठीक है, आप लोग इसको भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। इंशाल्लाह हम लोग इसमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जो है वो आप आगे जो जो लाइक चीज़ें आती गई तो हम लोग जो है वो इस चैनल पर जो है वो अपलोड करेंगे। बेसिकली ये जो चैनल है डॉक्टर मोहसिन जावेद, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ के एम यू कैट, ईटा, एम डी कैट और इस तरह के एस्पायरेंट्स को यहाँ पर रखें, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया तो यार आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं भी हुआ तो हो जाएगा, यार अल्लाह करेगा हो जाएगा, आप लोग डी ए डॉक्टर को फॉर पास पेपर और इस तरह के कॉन्टेंट के लिए जो है वो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की। यार फिजियोलॉजी के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जो एक मेन चैनल हम लोग कह सकते हैं, एक मेन पर्सनैलिटी है हमारे पास डॉक्टर नजीब, हर बंदा जानता है उनको, ठीक है, लाइक बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छा जो है वो इनका कंटेंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, वो ये है कि ये जो डॉक्टर नजीब है ये एक एक लेक्चर तीन इनका सिर्फ एक एक टॉपिक, चैप्टर तो अलग चीज़ है, चैप्टर के अंदर टॉपिक जो है वो समटाइम्स इनका तीन तीन चार चार घंटे की वीडियो बन जाती है। तो वो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स समझते हैं कि इट इज़ जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन बहुत जो है वो ये डीप जाकर चाहे वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अगर लाइक आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। बल्कि अभी आप लोग अगर देखिए, अभी आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप लोग साथ साथ जो टॉपिक आपको टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसी टॉपिक को जो है वो आप आकर देख लो इनकी वीडियोज़। लाइक अगर आप के पास टाइम नहीं भी है तो आप लोग इसको 2x पे भी रख के सुन सकते हो। मीन्स अगर आप लोगों को समझ आती है तो यार आप लोग सुन लो, टाइम है तो देख लो इनको, ठीक है। यहाँ पर एक और चैनल है ब्रेनलेस मेडिको, एक दो चैनल्स हैं, एक ब्रेनलेस मेडिको है और एक सेल्फलेस मेडिको है। ये दोनों जो है वो क्विक रिविजन्स करवाते हैं, करवाती हैं फीमेल हैं कोई, अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी फीमेल कौन सा चैनल जो है वो एक तो लाइक बुक से ही वो आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवाती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और दूसरी जो है वो रजिस्टर पर जो है वो एक पेज पर जो है वो लाइक इस तरह से रिविजन करवा रही होती हैं। आप दोनों को देख सकते हो, ब्रेनलेस मेडिको को भी और सेल्फलेस मेडिको को भी, तो ये दोनों चैनल्स अच्छे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है वो इन्हीं को फॉलो किया था। डॉक्टर नजीब को मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो मैंने तो ये ब्रेनलेस मेडिको और सेल्फलेस मेडिको को ही फॉलो किया था। आप लोग इसके लिए निंजा नर्ड को भी देख सकते हो, उनका भी अच्छा चैनल है। अलोंग विद दैट आप लोग ऑस्मोसिस एक चैनल है उसको भी देख सकते हो, वो भी लाइक अच्छा जो है वो चीज़ों को जो है वो आप लोगों को विजुअलाइज करवा के समझाते हैं, तो आप लोग ऑस्मोसिस को भी फॉलो कर सकते हो, ऑस्मोसिस द नेम ऑफ चैनल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की। बायोमैकेनिक्स ये हमारे पास स्पेशली फॉर द डीपीटी स्टूडेंट्स, इसके लिए यार एक चैनल है मूवमेंट साइंसेस, बाकी भी चैनल है लेकिन मैंने जो है वो इसको फॉलो किया था। बाकी बहुत से चैनल्स हैं लेकिन मुझे एट अ टाइम जो है वो बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहे थे। तो यार लाजमी नहीं है कि देखो, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोली कि जो चैनल्स हम लोग आपको सजेस्ट करें हैं आप लोग उन्हीं को फॉलो करो, आप लोग अपने भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो है वो कोई टॉपिक नहीं आता, आप लोग जस्ट उस टॉपिक को लिखो यूट्यूब चैनल पे, सर्च बार में उसको इंटर करो। आप लोगों के पास डिफरेंट जो है वो लोगों की जो है वो वीडियोस उस टॉपिक के रिलेटेड आएंगी, आप दो से तीन वीडियोस देखो जो आपको समझ आती है, मीन्स जो आपके दिमाग में जो जिस बंदे की आवाज़ बैठती है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने मूवमेंट साइंसेस या बाकी जो डॉक्टर नजीब है लाइक जिसको मैंने सजेस्ट किया आप लोग उसी को देखो, ठीक है, ये लाजमी नहीं है। आप लोग वहाँ पर जस्ट अपना टॉपिक लिख सकते हो, टॉपिक के बाद बहुत से जो है वो यूट्यूब चैनल्स नीचे आ जाते हैं, आप लोग उनकी वीडियोस देख सकते हो और वहाँ पे उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप लोग इन्हीं को फॉलो करो। बाय द वे जो बायोमैकेनिक्स है उसके लिए मूवमेंट साइंसेस एक बेस्ट चैनल है, मैंने जो है मूवमेंट साइंसेस को जो है वो कुछ अरसे तक फॉलो किया था,
ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, डीपीटी स्टूडेंट स्पेशली। यार बायोकेमिस्ट्री स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में तो लाइक सच बायोकेमिस्ट्री इतनी लाइक कॉम्प्लेक्स किस्म की नहीं होती। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको बुक से ही कर लेते हैं या स्लाइड से कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जो आप लोग मैट्रिक एफएससी में जाओ पढ़ के आए होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल बायोकेमिस्ट्री है, तो फिर भी अगर लाइक कोई स्टूडेंट फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहता है तो वो ब्रेनलेस मेडिको को सुन सकता है, ठीक है, निंजा नर्ड को सुन सकता है और डॉक्टर मंगोली को सुन सकता है। मीन्स डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप लोग जो है वो इनको कर सकते हो। बाय द वे मैंने हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट था वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में था डीपीटी वालों का ना, तो थर्ड सेमेस्टर में तो लाइक वो जनरल बायोकेमिस्ट्री थी, वही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन्स और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में वो मेटाबॉलिज्म और इस तरह की चीज़ें आ गई थी जो कि लाइक आपको समझ नहीं आती, तो उसके लिए मैंने ब्रेनलेस मेडिको को फॉलो किया था, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो। बाकी जो पैरामेडिक्स वाले और बीएसएन वाले हैं उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री है, तो यार आप लोग इन तीनों चैनल्स को देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा जो मोस्ट रिकमेंडेड चैनल होगा वो आप लोगों के लिए ब्रेनलेस मेडिको ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल क्विकली चीज़ों को समराइज कर देती हैं। आप उनकी वीडियोस देखिए, उसके बाद जब अपना लेक्चर देखते हो तो आप लोगों को 80-90% लेक्चर जो है वो लाइक कवर हो जाता है, मींस इजीली समझ आ जाती है फिर वो स्लाइड्स या बुक से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कंबाइंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है बीएसएन स्टूडेंट्स के लिए, तो यार इसके लिए आप लोग जो है वो राजनीत मेडिकल एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। बाय द वे जिस स्टूडेंट से मैंने ये, क्योंकि मैं खुद तो बीएसएन का स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन जिस स्टूडेंट से मैंने ये पता किया तो उसने बोला कि जो कंबाइंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है ये बेसिक इनकी होती है, मींस उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी कि डीपीटी वालों की और पैरामेडिक्स वालों की होती है, मींस कॉम्प्लेक्स नहीं होती, मींस वो बेसिक जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है। सो मोस्टली ये बुक और स्लाइड से भी कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो राजनीत मेडिकल एजुकेशन को जो है फॉलो कर सकता है। लेकिन मोस्टली उसने यही बोला है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को स्लाइड्स ही समझ आ जाती है, बुक ही समझ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें आप लोगों की जनरल हैं, ठीक है, तो लाइक ईजिली हो जाता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए उसने मुझे यही बोला कि कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का टॉपिक आ जाता है जो कि स्टूडेंट्स को उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, उसने मुझे यही बोला कि आप स्टूडेंट्स को कह दें कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई टॉपिक उनको समझ नहीं आ रहा, जस्ट उस टॉपिक का नाम जो है वो सर्च बार में लिख लें यूट्यूब पे, तो डिफरेंट वीडियोज़ आ जाएंगी, तो आप लोग उनको फॉलो, मीन्स कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं बताया उसने। माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, वो आपने रटा ही लगाना होता है और वो बुक्स या स्लाइड से ही हो जाता है। इसी तरह आप लोगों के पास इंग्लिश को ज़रा साइड पे रखें, पाकिस्तान स्टडीज़ तो मैंने आपको सिंपल बताया कि वो जस्ट एक बुक है, जस्ट आपने उसी को फॉलो करना है, इसके लिए किसी भी किस्म की वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम लोग पहले कंप्यूटर साइंस की, तो यार कंप्यूटर साइंस भी वो बेसिक कंप्यूटर साइंस है, इतनी वो आप लोगों के पास लाइक कॉम्प्लेक्स किस्म की कंप्यूटर साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स वर्ड को सीखने के लिए प्रेजेंटेशन ये जो होता है स्लाइड्स बनाना ये आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, आप जस्ट जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता आप लोग वो जस्ट यूट्यूब बार में सर्च करो, आप लोगों को डिफरेंट वीडियोस मिल जाएगी, आप लोग उनको देख सकते हो। इंग्लिश के लिए इंग्लिश यार ये वही बेसिक इंग्लिश होती है, बेसिक जो आप लोग ईटीएमडी कैट या केएमयू कैट के लिए भी प्रिपेयर की थी आप लोगों ने, ये वही इंग्लिश होती है। रेन एंड वार्टन बेस्ट बुक है, इसके लिए YouTube चैनल तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक अगर आप लोग चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो YouTube चैनल्स पर वीडियोस देखना चाहते हो तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप लोग वही टॉपिक सर्च करो और डिफरेंट वीडियोस आ जाती हैं। बाय द वे नसीर अब्बास को हर बंदा जानता है, ठीक है, तो आप लोग उनके लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड है वो रेन एंड वार्टन की बुक है, आई थिंक वो आप अगर आप उसी को ठीक तरीके से करते हैं तो वो आपको 100% पेपर जो है वो कवर करवाती है, मीन्स बाकी रिसोर्सेज पर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये थे यार कुछ रिकमेंडेड यूट्यूब चैनल्स जो कि आप लोगों को बता दिए, लेकिन एट द एंड आप लोग ये चीज़ हमेशा जहन में रखो कि ये स्टैंडर्ड मीन्स लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने इन्हीं को फॉलो करना है, हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, उसकी समझने की मैथडोलॉजी मैथड
मीन्स वो डिफरेंट होती है, हर बंदा जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। सो हर बंदे को जो है वो डिफरेंट चीज़ें समझ आती हैं। हो सकता है कि ये जो चैनल्स मैंने आपको रिकमेंड किए आपको इनकी समझ ना आए, हो सकता है आपको आ जाए, इट्स ऑल अप टू यू। बाय द वे आप लोग इनको जस्ट देख सकते हो, अगर आपको समझ आती है तो आप लोग फॉलो करो, अदरवाइज ना करो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर बंदे की डिफरेंट सोच होती है। बाय द वे एट द एंड फॉर पास्ट पेपर्स और इस तरह के कंटेंट के लिए आप लोग डॉक्टर डी ए डॉक्टर को जो है वो फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग जस्ट क्लिक करो एंड सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे तकरीबन हम लोग पास्ट पेपर्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और सेकंड थिंग इज डैट कि यार आप लोग क्या चाहते हो कि लाइक किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, आप लोग वो टॉपिक्स भी हमें कमेंट्स में जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। सो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर भी जो है वो आने वाले दिनों में वीडियोस बना लें। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो, बता भी सकते हो। थैंक यू।